आदि पुरुष के रिलीज होने से पहले इस मूवी को लेकर सबके मिक्स्ड ओपिनियन थे। कोई कह रहा था कि यह मूवी का असली चार्म 3D में है, तो कोई इसे पहले ही डिजास्टर डिक्लेयर कर चुका था और बहुत से लोगों को इस मूवी की कास्टिंग से भी प्रॉब्लम थी। पर अब जब यह 600 करोड़ की मूवी सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है, तो पब्लिक का ओपिनियन मिक्स्ड से सीधा नेगेटिव की तरफ शिफ्ट हो चुका है। जैसा फिल्म मेकर ने हमारे रामायण का मजाक बनाया है, उसकी कोई माफी नहीं है, और शायद इसलिए प्रभास के फैंस भी इस मूवी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। वैसे तो आदि पुरुष में कई गलतियां हैं, पर आज हम आपको ऐसी 5 गलतियों के बारे में बताएंगे जिसकी वजह से ये मूवी आपको नहीं देखनी चाहिए। नंबर 1, डायलॉग्स। जब भी हमारे सामने रामायण का जिक्र होता है, हमारे मन में एक आइडियल इमेज बनती है, पर आदि पुरुष ने इस इमेज को पूरी तरह से बिगाड़ने की कोशिश की है अपने गंदे डायलॉग्स के थ्रू, और यह डायलॉग्स रामायण के डिग्निटी और रिस्पेक्ट को हार्म करते हैं। इन डायलॉग्स को सुनकर आपको रामायण की वैल्यूज कभी भी समझ नहीं आएंगी। नंबर 2, रॉन्ग डायरेक्टर। जैसा कि ओम रावत का यह दूसरा प्रोजेक्ट है तानाजी के बाद, और अपने दूसरे ही प्रोजेक्ट में इतनी बड़ी मूवी की जिम्मेदारी लेना कहीं से भी सही नहीं है। रामायण हिस्ट्री का एक ऐसा पन्ना है जिसे हर कोई प्रेजेंट नहीं कर सकता है, और पर्सनली मेरे हिसाब से अगर ये प्रोजेक्ट SS राजामौली या फिर संजय लीला भंसाली ने की होती, तो आज आदि पुरुष का नज़ारा कुछ और ही होता, क्योंकि इन दोनों डायरेक्टर्स की फिल्मोग्राफी यह बताती है कि यह ऐसी टाइप की फिल्में अच्छे से बना सकते हैं। नंबर 3, कॉस्ट्यूम एंड लुक। आदि पुरुष ने पूरी तरह से कोशिश की है रामायण के छवि को हमारे मन में बिगाड़ने की, इसलिए शायद राम जी को लेदर के कपड़े में दिखाया गया है, रावण को मास्क लगाते हुए, और मेघनाथ को टैटू के साथ। इतनी बुरी कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग कोई रामायण जैसी कहानी के लिए सोच भी कैसे सकता है। और लुक की बात की जाए तो प्रभास के चेहरे पे वो तेज दिखता ही नहीं है राम जी जैसा। हमने जो तेज प्रभास की बाहुबली मूवी में देखा था, वो बिल्कुल ही मिसिंग है इस मूवी से। नंबर 4, रॉन्ग कास्टिंग। ट्रेलर आने के बाद ही मोस्ट ऑफ द पीपल का यह ओपिनियन था कि कास्टिंग में दिक्कत है, और फिल्म आने के बाद यह बात पूरी तरह से कंफर्म हो जाती है। कोई भी ऐसा एक्टर नहीं है जिसके कैरेक्टर को आप याद रखना चाहोगे। सैफ अली खान ने रावण के किरदार को अच्छे से निभाने की कोशिश की भी है, पर उनका लुक इतने बुरी तरह से प्रेजेंट किया गया है कि आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे। नंबर 5, VFX। यह गलती सबसे पॉपुलर और नोन गलती में से है। जब से आदि पुरुष का टीजर आया था, तब से इसके VFX का मजाक बन रहा था, और सच में हम VFX सह भी लेते अगर इसमें कुछ और अच्छा देखने को मिलता, पर फिल्म का बस VFX गलत नहीं है, यह पूरी फिल्म ही अपने आप में गलती है। चेंजेस के नाम पे बस मेकर्स ने डार्क टोन कर दिया था ट्रेलर का, बाकी पूरी फिल्म वैसी ही है जैसा आपको टीजर में दिखाया गया था। तो हमारे हिसाब से ये 5 मेन गलतियां थी आदि पुरुष की। आपने और कौन सी गलती नोटिस की है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।